मेरा नाम नीलम है, मैं 15 ईयर से ब्यूटी लाइन में हूँ और मैं पार्टनरशिप में काम कर रही हूँ विद सोनू एंड मैं पंचकुला में फ़िलहाल मेरे 4 ब्रांचेज हैं, 15 सेक्टर एंड 21 सेक्टर एंड 2 ब्रांचेज मेरी 20 सेक्टर में हैं। मुझे स्टार्टिंग से ही लगता था, मैं 10-12 साल की थी तभी लगता था कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए और मुझे ब्यूटी लाइन स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद थी, तो तभी लगता था बहनों के ऊपर कभी किसी के ऊपर मैं करती रहती थी कुछ ना कुछ। तो मदर इन लॉ मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने कहा कि जो आप चाहते हो वही करो। तो मैंने वहाँ से जैसे 1 ईयर में मैंने इस कोर्स किया, उसके बाद फिर मैंने करनाल में ही एक अपना छोटा सा सैलून किया। तो फिर मैंने यहाँ पे कम से कम मंथ के बाद ही मैंने यहाँ पे सैलून का अपना छोटे से कैबिन से ही मैंने स्टार्ट किया कि क्योंकि नया शहर था तो थोड़ा सा टेंशन तो होती ही है, पर अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। और जो मैंने बताया स्टार्टिंग में विद सोनू जी के साथ मैंने पार्टनरशिप में स्टार्टिंग में काम किया, तो उनका हाथ हेयर में बहुत अच्छा था, मुझे लग रहा था कि हम दोनों ही कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो हमने किया, फिर हमने थोड़ा सा साल के बाद लगा कि नहीं क्लाइंटेज अच्छी है, हम अच्छे से काम संभाल सकते हैं। उसके बाद फिर लगा कि नहीं हमें कुछ और अच्छा करना चाहिए। साल के बाद मैंने फिर 3 ब्रांच खोली, 3 वाली, तो उसमें हमारे पास 7-8 लड़कियाँ, 7-8 लड़के, वो हमने अच्छे से मेंटेन किया। हमने साथ साथ 2 शोरूम ले लिए उसके साथ साथ कि एक में हम जेंट्स का काम कर सकते हैं, एक में हम लेडीज़ का काम करते थे। मुझे अपने प्रोफेशन में तो मेकअप करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों की स्किन ठीक करना अच्छा लगता है, और मेन तो ये है कि मुझे मेकअप या ब्राइड को तैयार करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी हैप्पीनेस लाइफ स्टार्ट होने वाली होती है। मैं चाहती हूँ कि अगर ब्यूटी लाइन आना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले चाहिए कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर पेशेंस है, वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट का कुछ नहीं पता होता किस टाइम वो कौन सा क्या बोल दे, कई बार नहीं सोच के बोलता क्लाइंट, तो पेशेंस होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ वैसे तो, लेकिन अब हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारा चल रहा है थोड़ा, और आगे मेरा यही ख्वाहिश है कि मैं चंडीगढ़ में भी अपना एक सैलून खोलूँ और उसको अच्छे से सक्सेस करूँ, लोगों को अच्छी फैसिलिटी दूँ और अच्छे प्रोडक्ट के साथ उनको बताएं कि आपके स्किन के साथ क्या अच्छा रहेगा, क्या आपको क्या करना चाहिए, लोगों को अच्छे अच्छे मतलब गाइड कर पाऊँ। रात को आप फेस को हमेशा क्लीन करके सोएं और अच्छा खाएं, पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा होश के वो लें, और जैसे टमाटर का जूस बहुत अच्छा होता है कईयों के, जैसे ब्लैकहेड्स वगैरह या ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर हो जाते हैं तो उनको वो जल्दी कवर कर जाता है, टमाटर का जूस निकाल के उसको वो लगा सकते हैं वीक में एक बार, और बाकी डेली अपना फेस वॉश करें, पानी ज़्यादा पिएं, जूस 2 टाइम फ्रूट लो या जूस लो, कुछ ना कुछ ज़रूर लेना चाहिए। जो 50 इयर्स के या 40 इयर्स के आसपास जो लेडीज़ हैं उनको सर्दी के टाइम में कोकोनट ऑयल ज़रूर लगा के रात को सोना चाहिए। एंटी एजिंग क्रीम होती अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन कई लेडीज़ ये हैं कि हर कोई लेडीज़ इसको नहीं यूज कर सकती, तो उनको कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए, वो जैसे हमारी पिगमेंटेशन हो जाती है उनके लिए भी वो बहुत अच्छा है। मैं सभी लेडीज़ को एक ही बात कहना चाहूँगी कि उनको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सोच लो या जैसे मर्जी, कि हम लेडीज़ इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि हम कुछ ना कर पाएँ, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। जैसे उनका किसी का जैसे सिलाई में है तो उनको बुटीक खोल लेना चाहिए, अगर इतना नहीं कर सकते तो हम जैसे टिफ़िन सर्विस का काम कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप फैमिली को और बिजनेस को साथ साथ नहीं चला पाओ। किटी वी के बारे में मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव लगता है कि वो हमें रेसिपी वगैरह एंड ब्यूटी टिप्स अच्छे देते हैं, मैं कई बार देखती हूँ तो बहुत अच्छे टिप्स देते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं उनके टिप्स, और जो वो किटी पार्टियाँ वगैरह अरेंज करने के लिए हमारे लिए फैसिलिटी देते हैं वो सबसे अच्छी है। बहुत ही इजी हो गया आजकल वुमेन के लिए ये सब, वो खुद ही अरेंज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और हमारी सारी जितनी भी हमारी लेडी बहनें हैं, जितनी भी गर्ल्स वगैरह जो भी किटी ज्वाइन कर रही हैं उनके लिए बहुत ही इजी हो गया है, और मैं कहूँगी वो और भी अच्छा अच्छा काम करें।